हेबनी सुरवीर, सुरवीर उ हेबनी सुरवीर। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है सुरवीर संगीत के महासंग्राम। और महासंग्राम के अब आगे बढ़ावल जाई हमन के भैया, हमन के 6 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुकल बा लोग। 2 सेमीफाइनलिस्ट के तलाश बाटे। शुक्रवार शनिवार और रविवार की प्रतिद्वंदिता की बाद, युद्ध की बाद, महासंग्राम की बाद फाइनल पता चली कि वो 2 सेमीफाइनलिस्ट के बाटे जे हमन का 7वां और 8वां सेमीफाइनलिस्ट बनी लोग। बहुत बढ़िया गाना गौलू है, पूरा झूम के गौलू है, झूम के एकदम मूड में गौलू है। लेकिन तोहरी गायकी का कितना असर पड़ल बटे हमन के निर्णायक मंडल पर, कितना प्रभावित भइल बा लोग, ये जानल जाए सबसे पहले हमन के धनंजय मिश्रा जी से। दोबारा से एंट्री और लाजवाब, बहुत अच्छा गाय। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं सुर हिलल डुलल है, लेकिन वो बहुत मायने ना रखेला, ऐसे कि फ्लो बहुत बेहतरीन रहा। ओके, और संभाला बेटा, ठीक, बहुत अच्छा बात, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं राजेश जी के पास और सुनते हैं कि इस सुर मंथन में क्या हाल है अनामिका का। स्वागत बा अनामिका, धन्यवाद सर। वापस आयलू है तो एक धमाकेदार प्रस्तुति रहे, अच्छा गाई हो और मूड भी अच्छा, भाव भी अच्छा। सुर का ठीक है, कभी कभी लाइव परफॉर्मेंस आगे पीछे हो जाला, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था तुम्हारा, वेरी गुड, बधाई हो। क्या बात बेटे, बहुत बढ़िया कहानी है। अब हमन के जाना लिए आज के हमन के सेलिब्रिटी गेस्ट रविंद्र जी से कि रविंद्र जी, रउआ के हमन के अनामिका कई गायकी कैसन लागल है। गायकी मैं कहूँ तो भोजपुरी के जो नहीं के वो आवाज़ होले जी, वो अनामिका के बा। और इनकर एक चीज़ हमके बहुत अच्छा लगल है कि अंतरा के बाद जब ही
मुखड़े के लाइन जब पकड़नी है तो जो पंचिंग रहल है ओकर बहुत सुंदर एकदम परफेक्ट जाके सम पे गिरल है, वो हमके बहुत अच्छा लगल है और बहुत निर्भीक और निडर होके गा रही है, बहुत सुंदर।